हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन इंजेक्शन, कैल्शियम सैंडोज। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इस इंजेक्शन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे जो है कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसकी डोज को जो हमें किस तरीके से लेना है और इसकी कंपोजिशन के बारे में। तो ये सारी की सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो का पता चल सके और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इसके यूजेज के बारे में कि इस कैल्शियम सैंडोज इंजेक्शन के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है कैल्शियम की वजह से, आपकी जो है कैल्शियम की वजह से जोड़ों में दर्द हो रहा है और आप चल भी नहीं पा रहे हैं, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है और आप उठ भी नहीं पा रहे हैं, आपके शरीर में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, तो उन कंडीशन में जो हमें कैल्शियम सैंडोज लगवाना चाहिए। ये इंजेक्शन हमारा जो है हड्डी के स्वास्थ्य को रखरखाव में मदद करता है, ये हमारी हड्डियों के रखरखाव में मदद करता है। इसके अलावा इसके अन्य लाभ भी हैं, उदाहरण के लिए मांसपेशियों के कार्य में सुधार लाता है, जिससे कि हमारी मांसपेशियां एकदम अच्छे से काम करने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, ये इंजेक्शन जो है उन लोगों को नहीं लगवाना चाहिए जिनके शरीर में जो है कैल्शियम की मात्रा भरपूर है, और ये इंजेक्शन केवल उन लोगों को ही लगवाना चाहिए जिनके शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम है और उनके हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके साथ साथ ही ये इंजेक्शन जो हमारे हृदय ताल को भी मजबूत करता है और ये उच्च रक्तचाप को भी प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर देता है, यानी अगर आपका बीपी भी हाई हो रहा है तो ये उसे भी कंट्रोल कर देता है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इस कैल्शियम सैंडोज इंजेक्शन की कंपोजिशन के बारे में। तो इसे जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे नोवार्टिस नाम की कंपनी बनाती है और इसे जो है 73.60 रुपये में किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से खरीद सकते हैं। और इसके कंटेंट्स की बात करें तो इसमें जो है कैल्शियम ग्लूकोनेट और कैल्शियम लैक्टोबायोनेट दिया होता है। इसे दो साल्टों से मिलकर बनाया जाता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट और कैल्शियम लैक्टोबायोनेट। और इस इंजेक्शन को जो हम IM और IV दोनों तरीकों से लगा सकते हैं, लेकिन हमें IV जो है इंजेक्शन जो है इसे बहुत ही स्लो देना है। अगर हम इसे डायरेक्ट जो IV देते हैं तो उस पेशेंट को जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे उसके शरीर में आग निकल सकती है या उसे जो है उल्टी की समस्या हो सकती है। इसलिए जो है डॉक्टर लोग जो है इसे ड्रिप में डालकर ही देते हैं। अगर आप अपने आप भी यूज करें तो उसे जो है ड्रिप में डालकर ही लें, तो उससे जो है पेशेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को कैल्शियम की वजह से जो है जोड़ों में दर्द हो रहा है या उसकी जो है रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, वो चल फिर नहीं पा रहा है, तो उसे जो है इस कैल्शियम सैंडोज का इंजेक्शन अपने डॉक्टर की सलाह से अवश्य करें। तो फ्रेंड्स, जो है हमें कैल्शियम सैंडोज इंजेक्शन के जो है कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, और ये साइड इफेक्ट जो है अगर हम ड्रिप में डाल कर देंगे तो उसे जो है कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे। अगर आप उसे IV देते हैं तो उसे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे उसे कब्ज की समस्या हो सकती है या फिर सूजन की समस्या हो सकती है, ऐसी कुछ समस्याएँ हो सकती हैं। अगर ऐसी कोई समस्या दिखती है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कैल्शियम सैंडोज इंजेक्शन का रिव्यू। अगर आप इस इंजेक्शन के बारे में और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का पता चल सके और आप उस वीडियो को देखकर उसका फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक्स फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही।